नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। अमेरिका में 3 नंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। जानकर आश्चर्य होगा कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन मैदान में उतरे, सबसे ज्यादा मुस्लिम मुल्क और चीन को बड़ी खुशी हुई थी। ऐसा इसलिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी का अभी तक का नजरिया भारत के प्रति ज्यादा सकारात्मक नहीं रहा है। खासतौर से जो बिडेन ने कश्मीर मुद्दे पर जिस प्रकार आलोचना की थी, उससे पाकिस्तान और चीन बिडेन की जीत की दुआ करने लगे थे। पाकिस्तान ने तो तशरीफ उठाने गिराने की अवधि तक बढ़ा दी थी। चीन ने बाकायदा जो बिडेन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया में अभियान तक चला दिया। दरअसल जो बिडेन और चीनी कंपनी के बीच करीबी संबंध रहे हैं, इसलिए चीन जो बिडेन को लेकर अधिक आशान्वित था। पर वर्तमान हालात में बाजी पलटती हुई दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पूरी तरह भारत में हो चुका है। आमतौर पर अमेरिका के चुनाव भारत के चुनाव के मुकाबले काफी सभ्य तरीके से लड़े जाते हैं, मगर पिछले एक दशक से यहां भारत का असर देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला व्यक्तिगत जिंदगी में दखल देने लगा है और कई बार प्रत्याशी सभ्यता की सीमाएं लांघते भी दिखाई दिए हैं। यह आक्षेप अमेरिकियों को जरूर प्रभावित कर सकते हैं, पर दुनिया तो इनमें अपने हितों की ज्यादा तलाश कर रही है। यानी अमेरिका के भावी राष्ट्रपति की सोच और उनकी कार्यशैली किस देश के प्रति क्या रहने वाली है, अब इस पर ज्यादा विश्लेषण किए जा रहे हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति भारत के लोगों का रुख काफी सकारात्मक रहा है। कुछ वक्त पहले तक भारत के लोग ट्रंप की वापसी की प्रार्थना कर रहे थे, मगर जो बिडेन ने खुलकर भारत के समर्थन में कूदकर चुनाव को ज्यादा रोमांचक बना दिया है। स्थिति यह है कि अमेरिका के घरेलू मुद्दों को आशिया पर डाल दिया गया है और दोनों उम्मीदवारों में भारत के साथ दिखने की होड़ मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एलएसी और कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देने की अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं, तो जो बिडेन अब उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए समर्थन, सीमा पार आतंकवाद पर साथ और दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को पहले मजबूत बनाने की बात कही है। इन दोनों उम्मीदवारों में एक बात कॉमन यही है कि वे चीन और पाकिस्तान पर कोई नरमी नहीं दिखा रहे हैं। संभवतः जो बिडेन के इस बदले रुख की चीन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अमेरिका में लगभग 41 लाख भारतीय मूल के अमरीकी रहते हैं। इनमें से करीब 44% ऐसे हैं जो वोट डालने के लायक हैं। यानी करीब 15 लाख के आसपास भारतीय मूल के अमेरिकी वोटर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालेंगे। 15 लाख मतदाता अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा फेरबदल करने का मादा रखते हैं। पर बिडेन ट्रंप का भारत प्रेम केवल इन वोटों की वजह से ही नहीं है, इसके पीछे अमरीकियों में चीन के प्रति काफी गुस्सा भी माना जा रहा है। अमरीका में चीन के खिलाफ एक तरह से लहर चल रही है। ज्यादातर अमरीकियों को लगता है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को मजबूत करना जरूरी है। विशेषकर एलएसी पर चीनी आक्रामकता से अमरीकियों में भारत के प्रति सहानुभूति पहले से प्रबल है। अमरीकियों को अभी भी महसूस हो रहा है कि उनकी सरकार भारत का उस ताकत से पक्ष नहीं कर रही है जैसा कि होना चाहिए था। इससे चीन के प्रति नरमी का उनमें संदेह बढ़ा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एलएसी के मुद्दे पर साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और चीन को सबक सिखाने के दावे भी करते हैं। जो बिडेन समझ गए हैं कि उन पर चीन की ओर झुकाव का ठप्पा लगाने की कोशिश है, उससे बचने के लिए उन्होंने अब चीन को न सिर्फ भला बुरा कहना शुरू कर दिया है, बल्कि भारत को ज्यादा ताकत से समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। वैसे भी चीन पर निशाना बगैर भारत के पूरा नहीं होता है। कश्मीर मुद्दे पर एक वक्त सवाल उठाने वाले बिडेन अब उसे सीमा पार आतंकवाद से जोड़कर परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। वैसे भी अमेरिका में पाकिस्तान की कोई अहमियत भी नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तानियों की तादाद कुछ खास भी नहीं है। जो थोड़े बहुत हैं उनमें अधिकांशतः होमलेस हैं और सड़कों किनारे भीख का डब्बा लिए पड़े रहते हैं। जो बिडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाकर जहां चीन पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, वहीं भारत के प्रति अपना नजरिया दिखाने की कोशिश भी की है। हैरिस ने भी अपनी प्रेस सेक्रेटरी भारतीय मूल की सबरीना को बनाया है। कमला हैरिस से चीन इसलिए भी चिढ़ गया है क्योंकि वह लगातार उइगर मुस्लिमों और हांगकांग के मुद्दे पर बेहद आक्रामक रही है। अगर वह उपराष्ट्रपति बनी तो चीन के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। जो बिडेन ने हैरिस को मैदान में उतार कर अपने ऊपर लग रहे चीनी समर्थक के आरोपों को एक झटके में खत्म कर दिया है। साथ ही कश्मीर मुद्दे पर अपने उस बयान को भी धोने का प्रयास किया है जिसमें उन्होंने लोगों के मूलभूत अधिकारों के हनन की बात करके भारत को घेरने की कोशिश की थी। अब वे इस मामले को सीमा लांघकर पाकिस्तान के भीतर ले गए हैं, जहां मदरसा पैदाइश को यही लग रहा है कि पूरी रात में एक मरा वह भी तड़के उठकर भाग गया। हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी के रूप में डेमोक्रेटिक जो बिडेन का नाम प्रकाश में आया था, पाकिस्तान ने बड़ी आशाएं पाल ली थी।
ट्रंप से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले पाकिस्तान में ही रहते हैं। ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान की एक बार भी यात्रा नहीं की। वे पाकिस्तान को झूठे आश्वासन देकर मदरसे के बच्चे की तरह बहलाते रहे। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान पर सबसे कड़ा रुख दिखाया है। पाकिस्तान सालों से अमेरिका से जो भीख प्राप्त कर रहा था, ट्रंप ने उसे एक झटके में बंद कर दिया। ट्रंप के इस फैसले ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ गर्त में धकेला बल्कि उसको पैसे पैसे का मोहताज बनाने की वजह भी बनी। इसके साथ ही ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वार छेड़कर अमेरिका में राष्ट्रवाद को काफी हद तक उग्र बना दिया। ट्रंप की नीतियों का ही नतीजा है जो अमेरिकी राजनीति को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, आज हर मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण जाहिर करने लगे हैं। यानी ट्रंप अमेरिकी राजनीति को उस मुकाम पर ले आए हैं जहां अमेरिका के नागरिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के कद का विश्लेषण करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप अमेरिकियों की इसी नबज को भांपकर उन्हें इस विषय में बता रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका पर केंद्रित है, जबकि जो बिडेन H-1 वीजा और प्रवासियों की नागरिकता जैसे घरेलू मुद्दे भी उठा रहे हैं। पर सवाल यही है कि भारत के लिए ट्रंप बिडेन में कौन अधिक हितैषी है। यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त दोनों ही उम्मीदवार भारत के साथ दिखने की ओर में लगे हुए हैं, लेकिन ट्रंप अपने 4 साल के कार्यकाल में कभी भारत से दूर होते नहीं दिखाई दिए। भारत का उनके साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा है। केवल कश्मीर पर उन्होंने इमरान को जो चटनी पिछले साल चटाई थी, उसने जरूर एक बार की भारत को विचलित किया था। अन्यथा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने, रूस के साथ S-400 डील के बावजूद भारत पर एक्शन नहीं लेने, चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ भी ट्रंप आज तक खड़े दिखते हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भारत का समर्थन करके उन्होंने भारतीयों का दिल जीता है। उससे भी बड़ा काम उन्होंने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में रेडिकल इस्लाम का बयान देकर पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए थे। इसमें अतिशोक्ति नहीं है कि ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत अमेरिकी संबंधों को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। संभवतः हिंदुस्तान में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर है, जबकि जो बिडेन को लेकर भारत अभी भी आशंकित है। वे बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, मगर ओबामा के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि आज वे बहुत बदले बदले से नजर आते हैं, पर ट्रंप आज भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। वे मुंह फट हो सकते हैं, पर भारत के लिए उनका दिल आज भी आईने की तरह साफ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।